आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें तो मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। होली आ रही है, साथ साथ गर्मियों का मौसम भी आ रहा है। गर्मियों में कुछ हम ठंडा पीने का मन करता है तो आज हम ठंडी ठंडी ठंडाई की रेसिपी बनाने वाले हैं जो पीने में उतनी ही स्वादिष्ट है और बनाने में उतनी ही आसान है। आज का ये मेरा ठंडाई का वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देरी न करते हुए हम ठंडाई की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। ठंडाई बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 10 बादाम लिए हैं। इसे मैंने 2 घंटे पानी में भिगो के इसका छिलका निकाल लिया है। 10 काजू लिए हैं मैंने, इसे भी मैंने 2 घंटे पानी में भिगो दिया था। 2 चम्मच खरबूजे के बीज, इसे भी मैंने 2 घंटे पानी में भिगो लिया था। 10 पिस्ता लिया है मैंने, इसे भी मैंने 2 घंटे पानी में भिगो लिया था। 2 चम्मच सौंफ, 5 इलायची लेंगे, 10 दाने गोल मिर्च के। गोल मिर्च से हमारी ठंडाई को जो है वो अच्छा तीखा फ्लेवर मिलेगा। थोड़ा 1 चम्मच गुलाब जल डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। ठंडाई का मसाला जो है वो पीस कर तैयार हो गया है। आप इस मसाले को पीस कर 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं और जब मन चाहे तब ठंडाई बनाकर पी सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। आप मिक्सी जार ले लिया है मैंने, इसमें मैं 6 से 7 आइस क्यूब डाल दूंगी। ठंडाई का जो मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। 1/2 लीटर में ठंडा ठंडा दूध ले रही हूँ वो डाल दूंगी। तीन चम्मच चीनी डाल दूंगी। इन सारी चीजों को पीस लेंगे और ठंडाई तैयार कर लेंगे। ठंडाई को मैंने पीस लिया था और इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ठंडाई हमारी तैयार है, इसके ऊपर मैं थोड़ा केसर से गार्निश करूंगी। थोड़ा पिस्ता डाल देंगे हम।